हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ डी स्क्वायर ओवर 62। जो हम स्टील का वेट निकालते हैं जिस फॉर्मूले से, उसको आज हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। उसका हम डेरिवेशन निकालेंगे कि वो स्टील का वेट जो हम निकालते हैं, जो हम साइटों पे स्टील यूज करते हैं, वो किस तरीके से आया, कैसे आया। तो आज हम उसी को कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय 162। दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर हमारा सबसे फर्स्ट काम ये होता है कि हम 1 मीटर की लेंथ का स्टील लेंगे, चाहे वो 8 का हो या 10 का हो, 12, 16, 20, जो भी आपकी साइट पे अवेलेबल है, उसको हमको 1 मीटर का पीस लेना है, ठीक है। उस 1 मीटर के पीस से ही हम इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी डायमेंशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड 1 मीटर में कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमको बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको आगे सॉल्व करने में भी, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले 1 मीटर की हमने स्टील की लेंथ ले ली, ठीक है। अब आपको पता है कि जो डेंसिटी है स्टील की, वो 7850 kg/m³ होती है, 7850, ये आपको सबको पता है, ठीक है। स्टील की डेंसिटी, ये हमने 1 मीटर का स्टील लिया है, उसकी हमारी डेंसिटी 7850। अच्छा दोस्तों, एक और चीज, इसको हम मीटर में कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हम एमएम में करेंगे। तो 1 मीटर को अगर हम एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 mm हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी 7850 kg/m³। इसको भी दोस्तों मीटर को एमएम में चेंज कर लो, तो एमएम में चेंज करने के 7850 kg/1000 × 1000 × 1000 mm³, ठीक है। ये हमारी दोस्तों, ये हमारी एमएम में इसको हमने चेंज कर दिया, जो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम जो होती है हमारी, उसको हमने ड्राइव कर दिया। ये हमारी जो हमारा डेरिवेशन है, ये उसमें हमारी यूज होगी, ठीक है। चलो दोस्तों, फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। अभी सबसे पहले आता है हमारा वेट, वेट हमको निकालना है, ठीक है। स्टील का जो वेट है वो हमको निकालना है, हमको गिवन है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जो कि हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। वॉल्यूम जो हमारी स्टील की लेंथ आएगी, अभी दोस्तों देखो, जो स्टील का आप टॉप में देखो, टॉप में आपको सर्कल नजर आएगा, ठीक है। तो उस सर्कल का हम एरिया निकालेंगे, उस सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी टोटल लेंथ है, हम लेंथ कितनी ले रहे हैं, लेंथ हम 1 मीटर ले रहे हैं, तो वो 1 मीटर लिखेंगे। डेंसिटी ऑफ बार, तो डेंसिटी हमारी कितनी, जो डेंसिटी हमने ड्राइव किया है, तो डेंसिटी ऑफ बार 7850 / 1000 / 1000 / 1000, ठीक है। दोस्तों ये फॉर्मूला देखो दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल इंटू लेंथ ऑफ बार जो हम 1 मीटर ले रहे हैं, डेंसिटी ऑफ बार जो ड्राइव किया हुआ है। अब एरिया ऑफ सर्कल π/4d² जो हमारा टॉप का जो हमने एरिया लिया है, जो एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है। इसमें दोस्तों πr² भी होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, तो उसको यूज नहीं करना हमको, उससे निकल सकता है, लेकिन हमको डी की टर्म में निकालना है। इसलिए हमने π/4 × d² को ड्राइव किया, इंटू लेंथ ऑफ बार वो हमारी हमने 1000 लिया है एमएम में, इंटू डेंसिटी ऑफ बार 7850 / उसकी वॉल्यूम, ओके दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला काम है, इसमें हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी, 3.14 / 4 × d² डी की। दोस्तों यहां पर हमको वैल्यू पुट नहीं करनी है अभी, उस डी को ही हमको ड्राइव करना है, तो इसलिए डी की वैल्यू हमको यहाँ पे कुछ भी कंसिडर नहीं करनी। इसको हम लास्ट में जब इसको हम वेट निकालेंगे, तो उसमें हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इंटू 1000 उसकी लेंथ और 7850 / 1000 × 1000। ये दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1000 से 1000 को काटो, 3.1 × 7850। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करके आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, मैंने कैलकुलेटर रख करके रखा है। तो इसका जो हमारा टर्म आया है, वो आया हमारा d² × 0.0061622, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया। अब इसको दोस्तों हम रेसिप्रोकल कर लो इसका, कि d² / जो ये 0.0061625, इसको हमको d² / 1 / 0.0612, ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद इसको दोस्तों हम d², और इसको हम नीचे से जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारा 162 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी से हमारा ये जो
जो वैल्यू आएगी डी स्क्वायर बाय 162.29 जो है हमारी वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। तो उस जो 29 जो हमारा आया है उस 29 को हम 162 कंसिडर करते हैं अप्रोक्स में जो है हमारा। दोस्तों यही हमारा फॉर्मूला निकलता है डी स्क्वायर डिवाइड 162। अब इसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमने जो लेंथ ली थी वो कितनी ली थी, तो दोस्तों इसके अंदर हम 1 मीटर लेंथ कंसिडर करते हैं तो इंटू लेंथ ऑफ बार। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्टील का डेरिवेशन जो हमारा डी स्क्वायर बाय 162 जो फॉर्मूला आया वो कहाँ से आया, तो वो इस तरीके से हमारा आया। इसके अंदर हमने 1 मीटर की लेंथ कंसिडर की है और उसकी हमने वॉल्यूम निकाली, हमने टॉप में उसका सर्कल का एरिया निकाला, उससे हमारा ये डेरिवेशन ड्राइव हो गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमारा इसमें यूज होता है। और ये दोस्तों ये फॉर्मूला जो हमारा स्टील की 7850 जहाँ डेंसिटी है सिर्फ वहीं पर यूज होगा, इसको बाकी जगह यूज मत करना, ये ओनली फॉर स्टील की डायमेंशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारा यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों इसके आगे अब मैं आपको अगला टॉपिक बताता हूँ जिसमें हमने डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करके हमने वेट को निकाला, 1 मीटर की लेंथ का हमने वेट निकाला, तो वो किस तरीके से निकालेंगे तो उसकी आज ड्राइव करते हैं। डी स्क्वायर 162 इंटू लेंथ ऑफ बार, जो भी लेंथ ऑफ बार आएगी उसको हमको लिखना है। तो हम लेंथ ऑफ बार 1 मीटर कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारा जो 8 का वेट आएगा वो 0.395 ग्राम। ठीक है, 8 का स्क्वायर 8 × 8 डिवाइड 162 तो 0.395। ये दोस्तों 1 मीटर के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें आप कितना भी पुट कर सकते हो, 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, तो उसमें आप उतना ही इंटू करते रहोगे तो आपकी वो लेंथ उतनी आ जाएगी, उतना वेट आ जाएगा आपका। ठीक है, 10 का आएगा 0.617, 12 का हमारा आएगा 0.888, 16 mm का 1.58, 20 mm का 2.47, 25 mm का 3.85 kg, kg में है दोस्तों ये। ठीक है, जो हमारे 8 का 0.395 वो ग्राम में है, केजी में करेंगे इसलिए उसको हमने केजी में लिखा है। ठीक है, 32 का 6.32 kg। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारे जो हमारे वेट आई पर मीटर लेंथ के लिए हमने निकाला। ठीक है, केजी पर मीटर लेंथ। ओके, यही हमारा दोस्तों सब आज का ये जो टॉपिक है हमारा डी स्क्वायर 162, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना और उसके बाद हमारा जो वेट निकालना। इससे दोस्तों जैसे ये 0.395 आ गई, इससे आप किसी भी जैसे मान लो आपकी लेंथ 50 मीटर आ गई तो इंटू 50 मीटर तो जो आपकी लेंथ आएगी वो आपका उसमें वेट आ जाएगा, तो इसी के थ्रू आपका जो सारा डेरिवेशन है वही चलेगा। तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉपिक। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर नए हो तो इस चैनल को बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।